21 2021 नीट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन, किसी को याद है तो कुछ हेल्प कर सकते हैं आप लोग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बाल से आपको याद है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज टू टाइम्स। अरे क्या कॉन्फिडेंस है यार, सबको आता रहेगा ये चीज, हमको मालूम है वाई इज इक्वल टू या एक्स इज ए साइन ओमेगा टी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला है जनरल ऑफ के एक्स स्क्वायर, कैन आई से इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हेलो बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब ये डबल है तो इसका फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स होगा। दिस आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, महक डिड आई एक्सप्लेन दिस इन द थियरी के फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एसएचएल। तो ये पूछ चुका है, ये हम लोग कर चुके हैं पहले, इट इज नॉट न्यू। प्लीज देखो 36 लोग हैं, बाकी सब लोग भाग गए, दिस इज रॉन्ग मैन, जो मेन पेपर है उधर भाग गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, पोलर मॉलिक्यूल्स, कौन बताएगा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके पास डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो याद है दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते थे, एक होता था पोलर एक होता था नॉन पोलर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, मतलब इट विल हैव पी बार, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वेयर द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल कोइंसाइड, तो इसका पी बार जीरो, ये बताया था मैंने। Yes, sir. I have told you all. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि having permanent electric dipole moment, clear है? मतलब दोनों question theory है, हम लोग सोचते थे बहुत सारे numericals आते हैं, numericals भी है पर theory भी है इसमें। Okay, good question. Now पहली बार history के अंदर they have asked you match the column, इसका match the column पूछ लिया है। Drift velocity का क्या formula है? VD is, can I say it is E tau by M? Do you remember? Hello, drift velocity. E tau by M. Clear hai? Yes. Hello. Ye formula aapko yaad hai? ML upon N E square E tau. Yaad hai kya? Yes. Can I write this as R is equal to rho L by A? So rho kitna ho jayega? M upon N E square A. ये रो मिल गया, ये वीडी मिल गया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? करंट इज व्हाट सर, करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है? आई बाय ए, आई का फॉर्मूला याद है, एन ई ए वी डी बाय ए, ए ए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, एन ई वी डी। मतलब इफ यू सी द मैचिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैचेस विद ए मैचेस विद E tau by M, मतलब R. Electrical resistivity rho matches with M upon N E square A. N E square tau, sorry, tau. ये है. That is matches with P. Current density is matching with N E V D. That is Q. तो आंसर क्या रहेगा? अभी तीन मैच कर लिया तो हो जाएगा. तो A is R, C is P. Oh, sorry, C is Q. B is, एक मिनट ये क्या हो रहा है, A is R, B is P, C is S, D is Q, ये मिल गया क्या? चौथा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना भाई। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दीज ऑल फॉर्मूलाज वी हैव डन, BD, रो, चेंज, उसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी आपको मिल जाएगा। Got it. Next question. Okay. Question number four. Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. The ratio of surface charge density. Mag, so sigma ka formula kya? Q by 4 pi r square. Yes. But they are telling you they are connected by a wire. Connected by a wire matlab voltage same hai. Arey jab connect karte hai wire se to they reach a common potential. Yaad hai kya? Yes. V ka formula kya hai? KQ by r.
तो क्यू को कैसे लिख सकते हैं? वी आर बाई के. कैन आई पुट दिस क्यू हियर? तो सिग्मा क्या हो जाएगा? वी आर बाई के अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर. कैन आई से दिस विल बी इनवर्स टू आर? ये कर चुके हैं हम लोग. वेन एवर वोल्टेज इज द सेम, सिग्मा इज इनवर्स टू आर. बाल से याद है क्या आपको? मैंने ये स्टेटमेंट दिया था आपको. वेन एवर वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, सिग्मा इज इनवर्स टू आर. तो क्या रहेगा आंसर? आर टू बाय आर वन. यस और नो महक? यस. ये सब चीजें हम लोगों ने डीसी पांडे में की है. ऐसे नहीं है कि कुछ भी बाहर से क्वेश्चन आ चुका है. ओके, सेम सेम क्वेश्चंस यस्टरडेज पेपर वी आर डूइंग, बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना है. देन ओनली आई टोल्ड यू दैट रेपिटेटिव स्टडी विल हेल्प यू. एक बार पढ़ने से नहीं याद रहेगा. कोई दूसरा बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वही बुक बार बार सॉल्व करो, आपको आ जाएगा. ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी, द एरिया ऑफ ईच प्लेट, द एनर्जी स्टोर्ड. अच्छा, डज एनीवन नो द फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बराबर क्या? बट एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. मालूम है ना आपको? तो अगर खाली एनर्जी पूछा है तो क्या रहेगा? इनटू वॉल्यूम. बट वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ. हेलो बालसे, विल टेल मी बालसे, ये सम था कि नहीं था? ये सेम सम था कि नहीं बुक के अंदर? यस सर. फिर कोई दूसरी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है आपको. एक बुक अच्छी तरीके से सॉल्व करो. मैग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सेम सेम क्वेश्चंस आर पिक्ड अप. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको सिखाता हूँ. देखो इधर, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. निष्का, आर यू देयर? एक वायर है, वायर को बता सकते हैं? वायर के मैग्नेटिक फील्ड अगर आर डिस्टेंस पर जाएगी तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा? इनफाइनाइट वायर का. अरे यार ऐसे मत करो. हाँ, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, सुना है क्या? हेलो. अरे वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर. तो दिस इज द वायर, और यहां पर है ना एक इलेक्ट्रॉन. कितना दूर इलेक्ट्रॉन रखा है? अरे मैग, टेल मी यार, कितना दूर है इलेक्ट्रॉन? 20 सेंटीमीटर. तो कैन आई से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर 20 सेंटीमीटर अवे विल बिकम म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर. म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इनटू 10 इज़ माइनस 7. आई कितना है? 5 है. 2 पाई आर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, बराबर है क्या? हेलो, ये 2 पाई 2 कैंसिल हो गया, ये बोला 5, 5 2 जट 10, 10 इनटू 10 इज़ माइनस 7 इज माइनस 6, माइनस 6 और ऊपर जाके 4 हो गया, बराबर है क्या? ये मिला क्या? हेलो, मैं सही कह रहा हूँ ना? 10 और माइनस 6, माइनस 6 ऊपर जाके 2 हो गया, माइनस 4 हो गया, 20 मिला गया. हेलो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर है, मौजूद है. यानी इसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा. व्हेनेवर अ चार्ज इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ व्हाट? क्यू वी बी. अरे क्यू कितना वैल्यू है? इसका वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी दिया हुआ है 10^5 मीटर पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड इज 10^-4/20, बराबर है क्या? हेलो, सॉरी, ये वेलोसिटी जो 10^5 है, ये 10^5 है. मैं टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, ओरली बता दो फटाफट. देखो ऊपर 1.6 है, नीचे 2 है, तो आंसर किसमें आना चाहिए? 8 में. हो गया आंसर, फिनिश्ड. देखो यार, इतना कॉन्फिडेंस रख के सॉल्व करेंगे तो फटाफट सॉल्व होगा, वरना आप एक एक चीज 10^-n+n एवरीथिंग को करते बैठेंगे तो नहीं होगा. बहुत सारे लोगों ने पेपर छोड़ दिया यस्टरडे. व्हाई? बिकॉज ये सब कैलकुलेशन करने बैठे हैं. गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और सॉल्व करो और आगे बढ़ो. यू नो यू बिकम डबल अलर्ट ड्यूरिंग द एग्जाम, आई डोंट नो व्हाई. भाई जो जैसे सॉल्व कर रहे वैसे नॉर्मली सॉल्व करो. उधर आ रहे, घर पे आ रहे, एग्जामिनेशन हॉल में भी आएगा. हाँ, गेटिंग इट? ठीक है. इफ ई एंड जी आर एनर्जी एंड ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट. एनर्जी मतलब वर्क डन. बाल से एनर्जी का ये बताओ यार, डायमेंशन बताओ. चलो यार, टाइम पास मत करो, जल्दी बोलो. वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है क्या?
यस और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? ये होता है क्या? ए हेलो यस सर डिवाइड मार दो कितना हो गया आंसर? हो गया क्या? हेलो बोलो यस और नो? अरे यार बोलो ना, क्लियर है क्या? सर आई डोंट नो व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट। निष्का डिड यू गेट इट? और कौन लोग हैं? हाँ यस सिद्धि प्लीज स्विच ऑन। अर्पिता वेर आर यू? जल्दी जल्दी चलो हेल्प मी आउट मैन राइट, जल्दी जल्दी। अच्छा ये जो है ऑप्टिक्स का समय, हम लोग जो पेपर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा देन वी बी सॉल्विंग। आंसर इसका डी है, फोर है। तो जिन लोगों को एक्स्ट्रा लोगों को देखना है तो एट दैट मोमेंट यू कैन सी इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेलीस्कोप, ठीक है? तो बाद में पढ़ेंगे। ओ हो ऋषि बाल से काइनेटिक थ्योरी का सन है, ये किसका फॉर्मूला है? कुछ याद आ रहा है क्या? प्रेशर का है, 1/3 रो सी आर एम एस द होल स्क्वायर। तो कैन आई से बी एस पी? अरे बोलो ना यार, ये किसका फॉर्मूला है? सी आर एम एस आर एम एस। ये हो गया क्यू, सही है क्या? ये क्या है? कैन आई से दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल? ये हो गया एस। तो 14 वाला रहेगा आर। बोलो सही है क्या? हो गया सर। व्हाट इज देयर सर? वेरी इजी सर। अरे बोलो मैन, हेलो। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपको बनेगा 4, ठीक है? वो सब ढूंढते रहना, ठीक है? निष्का बोलो सही है क्या? यस सर। देखो 10 सम तो सॉल्व, 9 सम तो सॉल्व हो गए, ठीक है? ओके अभी ये वीराब सर का क्वेश्चन है, ठीक है? निष्का विल आंसर। निष्का बेटा a zener diode is connected in reverse bias to use as a voltage regulator, bolo sahi hai kya? zener diode ko hum log reverse bias mein connect karte hain to use as a voltage regulator, hello? yes i think zener diode is invented for voltage regulator for working in reverse bias. reverse bias mein voltage ye kaam karta hai kya? diode kaam karta hai kya reverse bias mein? ये बाल से काम करता है क्या रिवर्स बायस में? नहीं करता है ना नॉर्मल? यस और नो? एक डायोड नॉर्मल डायोड काम करेगा क्या रिवर्स बायस में? नो सर, नहीं काम करेगा। तो हमने स्पेशल रेजिस्टर डायोड बनाया, कौन सा डायोड है? वो जीना डायोड है। ये तो ट्रू है बाल से, इसके बारे में बताओ। द पोटेंशियल बैरियर लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज गोना आंसर? उसको प्राइज मिलेगा। अर्पिता पोटेंशियल बैरियर 0.1 और 0.3 के बीच में ही होता है कि सिलिकॉन का 0.7 या 0.9 भी होता है? होता है ना? हेलो हेलो बोलो यस और नो? यस आर यू गेट इट? सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 होता है कि नहीं होता है? जर्मेनियम का 0.3 होता है ना? नूपुर शेकिंग और हेड। नूपुर सही है क्या? यार ऐसे मत करो तुम लोग हैं। तो कैन आई से ए इज करेक्ट बस बी इज इनकरेक्ट? बिकॉज फॉर सिलिकॉन द पोटेंशियल बैरियर इज 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 या 0.4 होता है, वो तुम लोग याद कर लेना थ्योरेटिकली, ठीक है? हेलो क्या यार तुम लोग क्या करते रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। हाँ 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 वेरी गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैट्स मजा आने वाला है, देखो इधर। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाल से, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्या यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। कैन आई से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किधर है बाल से? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किधर? ए पर है। कह रहे हैं यहाँ पर एक डाइपोल को रख दिया, मतलब प्लस क्यू रखा माइनस क्यू रखा, तो कैन आई से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा क्यू ई इधर? यस। और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा उल्टे डायरेक्शन में बिकॉज माइनस क्यू ए है, बराबर है क्या? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा? ए वाला। तो ज्यादा फोर्स कहां लगने वाला है? ए पर। तो कैन आई से नेट फोर्स इधर बना? हेलो यस सर। पूरे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कहां लगा? राइट की तरफ। अरे भाई कैन आई से डाइपोल की तरफ, राइट की तरफ फोर्स लगा? तो डाइपोल पूरा डाइपोल
कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट. राइट, कैन आई से टुवर्ड्स राइट? जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज. So can I say it is going to move towards the right and the potential energy will decrease? बोलो क्या मस्त क्वेश्चन बनाया था ना? Yes or no? अरे man, ये एक क्वेश्चन है ऐसे, वो सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है. निष्का, are you getting it? तो ये क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं बोलना है कि बहुत टफ पेपर है. ये क्वेश्चन I can understand that 2-3 concepts are together, but ये सब concepts आपको पढ़ाए हैं डीसी पांडे में. सेम मैक, आर यू देयर? जिन लोगों को चाहिए आंसर थ्री है, गिव इट आउट टू यू. ऑप्टिक्स सही है. ऑप्टिक्स के ऊपर देख सकते हैं चार क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और 2 months वी आर गोना डू ऑप्टिक्स ओनली. ठीक है, सही है ना? अक्टूबर एंड नवम्बर, सो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, महक, एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो. कमान, कमान यार, बराबर क्या? अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मेरी बात सुनो फटाफट. कमान, रूट ऑफ 2gm, m m m को लिख सकते डेंसिटी इनटू 4/3 r क्यूब बाय r. सही है क्या? स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया मतलब क्या बाहर निकला? r बाहर निकला और रूट ऑफ रो अंदर. सही है क्या? बाकी सब तो अंदर ही है ना, तो सब कांस्टेंट वेलोसिटी. यस और नो? यस. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? एसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज v, द एसके वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 times एंड सेम डेंसिटी. डेंसिटी सेम है, रेडियस कितना गुना हो गया? 4 गुना. तो वेलोसिटी भी कितना टाइम हो जाएगा? 4 times. बोलो क्या ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है? हमने पढ़ा है. मैं बोलो पढ़ाए कि नहीं ये फॉर्मूला? पढ़ाए कि नहीं? यस यस. हां, यू शुड अग्री विद मी कि भाई एक भी चीज ऐसे नहीं होना चाहिए जो नहीं पढ़ाया. बराबर है क्या? ओके, आपको अभी तो बहुत टाइम है, बट इट इज ऑल इज टॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस. अरे मजेदार क्वेश्चन है वीरा सर का. रेडियो एक्टिविटी आता है क्या आरुषि? आरुषि यार, एक्स इज ए जेड, अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा? क्या होगा है? मैक, a-4z-2. अच्छा, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा माइनस. क्या होगा? a will remain the same, z plus one. प्लस वन. अच्छा, बीटा प्लस निकलेगा तो क्या होगा? पॉजिट्रॉन, z माइनस वन. मजेदार मजेदार. अभी इधर क्वेश्चन देखो, इसको देखो. चलो इधर क्या निकला? बीटा प्लस. परफेक्ट मैन. इधर क्या निकला? अल्फा. यस सर. और इधर बीटा माइनस. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ये देखो आंसर. गेटिंग इट? यस सर. सर ने पढ़ाया नहीं ये? Yes, sir. मैं कहाँ पढ़ाया है सर? I have full confidence in you, sir. More than myself also. ठीक है? ठीक है. ये screw gauge है. This is based on measurements, so that will be done later on. It's based on screw gauge and vernier caliper. तो ये चीज़ आपको नहीं आती है. I will give you all the answer that when you come to refer, you'll be able to do. Answer is 1. ठीक है? Later on when you do it, you'll be able to get it. Clear है ना? अरे सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले इनेट ढूंढ लेते हैं. इनेट क्या है? अभी किया है यार ये सम. इनेट का फॉर्मूला r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस el माइनस ec द होल स्क्वायर. r स्क्वायर प्लस el माइनस ec द होल स्क्वायर. चलो आ शुरू करते हैं. er कितना है बेटा? 40 है ना? प्लस EL माइनस EC, 40 माइनस 10 दैट इज 30 का स्क्वायर. तो ये हो गया 50. बाल से बोलो. सही है क्या? ओके,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस मैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. एम्पलीट्यूड मतलब कौन सा वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं बाल से? एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू, पीक ये आई नॉट है और ये कौन सा वैल्यू है? ये कौन सा है बेटा? आरएमएस है ना यार, बोला थोड़ी है पीक है. मैं एक बोलो yes. इसका अगर मैं पीक निकालू, ये आरएमएस है बेटा, इसका अगर मैं पीक निकालू तो कितना रहेगा? मतलब ये हो जाएगा 50√2. Now you know this formula, E naught is equal to I naught into Z. सही है क्या? E naught कितना है? 50√2. I naught कितना है? 10√2. Z, Z. Clear है क्या? Hello? Yes. तो Z का value कितना आ गया? 5 ohms. अभी तो आपके सामने की बात है, ये चीज किया कि नहीं आज? Same, same sums किया कि नहीं? Same type का. फिर ओके इन द न्यूज इफ यू रीड फिजिक्स इज टफ. टफ क्या टफ है भाई, आपने प्रैक्टिस नहीं किया मतलब बराबर. सही है क्या? फिर ओके गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स. अर्पिता अर्पिता क्लियर है ना? डरो मत यार ऐसे. हैं कम ऑन. अब पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एस. तो पार्टिकल को सपोज मैंने एच हाइट से छोड़ दिया यहां से बराबर, ये ग्राउंड है. एट अ सर्टेन हाइट, ये सेम सम नीट में मौजूद है डीसी पांडे का, एट अ सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3 times. तो मतलब अगर टोटल एनर्जी कितना है इसका? हेलो कैन आई से टोटल एनर्जी इज mgh ओवर हियर, बिकॉज टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल ना बेटा. हेलो Yes. यहां पर काइनेटिक एनर्जी 3 times है पोटेंशियल एनर्जी का. तो मुझे आप तोड़ तोड़ के बता सकते हो कौन कौन है, कितना है पोटेंशियल, कितना है काइनेटिक, कितना है पोटेंशियल, कितना रहेगा? mgh mgh by 4 एंड काइनेटिक कितना रहेगा? मैं एक बोलो सही है क्या? yes. टोटल mgh है ना. हेलो Yes or no? So can you tell me what is H dash H by 4? Because potential energy is mgh by 4. No? That's why. And the velocity which it acquires over here. Velocity ka formula. Achha, kitna height wo upar se gira hai? Agar wo H by 4 height par hai. So can I say 3 by 4 H se gira hai? So can I apply the formula V square is equal to U square plus 2AS? A की जगह G, S की जगह कितना हाइट गिरा? 3/4 H and root of that कितना होता है ये? √3/2 G H. क्लियर है क्या? हेलो यस सही है क्या? मैं ये सॉल्व किया था पहले ऐसे टाइप का सम हमने किया ना. यस सर यस यू शुड से यस सर. आई फील वेरी नाइस. क्लियर है क्या? ओके ये टाइप का सम तो क्लियर रहेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस एन? नाउ यू डोंट टेल मी. हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी. यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन. अब ये बोल रहे हैं एस एन और एस एन प्लस वन में चाहिए. अरे कुछ भी नहीं है, एस एन एन एस एन प्लस वन एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ये बोल रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो है. मतलब यू जीरो हो गया, ये हो गया जी बाई टू 2n minus 1 पहले वाले का. नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये u 0 plus g by 2 2n, but n की जगह कौन है यहाँ पे? minus 1. getting it or not? ये तो cancel हो गया. कितना होता है 2n minus 1 upon नीचे आएगा 2n plus 1. ये solve किया है कि नहीं किया है? yes sir. किया था ये. यार आप लोग solve करते रहते हो, मुझे तो sums याद नहीं रखते. I don't remember the sums, but you all can remember. Arpita, ye sum tha kya? Yes, sir. I don't. Yes, sir. Okay. These witnesses are very nice. Clear. Chalo now. Aage badhte hain. Half life of radioactive substance is this much. Virab sir ne padhaya kya mahek? Half life? Yes, sir.
अच्छा ये फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ाया था क्या, n is equal to n naught half raised to t by t half, ये पढ़ाया था? या पढ़ाया सर ने पढ़ाया है। ऋषि बाल से डू यू अग्री? यस हां यस सर। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 100 आवर्स, मतलब ये कितना है 100 है और ये कितना टाइम है, कितना बोल रहे हैं 150, सही है क्या? कितना हो गया ये हाफ रेस टू 3/2, सही है? हेलो बोलो, ये हो गया क्या? What is half raised to 3/2? 1/2√2, 1/8 होता है ना बेटा? Yes. अरे यार पता है, yes or no? Yes sir. ये हो गया 1/2√2. इधर चला गया। तो n by n naught is 1/2, this will be the answer. Clear है? Nishka, do you know this formula? Yes. Yes, sir. Oh, beautiful question. Balse sir, are you ready? ये दोनों तीनों किस्में हैं? एकदम मजेदार question है। ये मैंने बार-बार कहा भी है आपसे। देखो ये सी ये तो है ही, कैन आई सी ये जो सी है इस पॉइंट को क्या मैं इधर कनेक्ट कर सकता हूँ? ये साथ में है ना? हेलो यस सर, ये एक्चुअली ये जो सी है वो शॉर्ट हो जाएगा, सही है क्या? व्हाट इज द आंसर? टू सी, ये तो चला गया ना, हो गया आंसर। Concept of short, getting it or not? Arpita, bolo. Yes, sir. Chalo. The effective resistance of a parallel connection that consists of four wires of equal length of equal area of same material is 0.25. What will be the effective resistance when they are connected in series? पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का आंसर क्या होता है? R/4। अरे R R R R पैरेलल में कितना होता है रिजल्टेंट? R/4 इज गिवन अस हाउ मच? 0.25। गेटिंग इट और नॉट? हेलो 0.25 मतलब 1/4 होता है क्या? तो R का वैल्यू कितना रहेगा? 1 ओम। अच्छा चारों को सीरीज में लगा दिया तो आंसर कितना हो गया? 4। इससे इजी हो सकता है क्या सर? इससे क्या इजी होगा, यू टेल मी ना। ओके 20 सेकेंड। निशका हैव यू ऑल डन बाइंडिंग एनर्जी के सम्स? हेलो यस, ये फॉर्मूला सुना है क्या आप लोगों ने? टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी is binding energy of products minus binding energy of reactant. ये सुना है क्या? हेलो महक, किया है आप लोगों ने? यस सर। अच्छा नाउ यू रीड द क्वेश्चन। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मास नंबर 120 एंड 120, उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना रहेगा? टू फ्रेगमेंट्स है तो 2 इनटू 120 इनटू उसका एनर्जी इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस व्हाट इज 240 मास नंबर इनटू उसका बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस यही करना था। ओके You just need to learn the formula for binding energy and get the resultant answer. चलो आगे बढ़ते हैं। Oh, very good. कौन सा है? N type semiconductor and P type semiconductor. The electron concentration in N type semiconductor is same as that of hole concentration in P type semiconductor. An external field is applied. कैसा है? कह रहा है कि किसमें current ज्यादा रहेगा? बाल से, can you try?
किसमें करंट एम टाइप, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा होता है उसमें, बराबर है क्या? सर ने बोला रहेगा स्टेटमेंट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन टाइप, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, बराबर है क्या निष्का? ए मान हेलो, तो करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप, व्हाई? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ पी टाइप, सही है क्या? हेलो हेलो, बराबर है क्या? हाँ, ऐसे मत करो यार, अच्छा who will tell me this answer, who will tell me this formula, come on, power का formula मालूम है? The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength this much when it delivers power, number of photons per second, क्या formula है? Power is एक, एक का energy कितना होता है बेटा? hc by lambda ना बेटा, अरे यार बोलो ना, तो पावर को लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एच सी बाय लैम्डा, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम ना बच्चा, मालूम है क्या ये? हेलो, व्हाट इज पावर? एनर्जी अपॉन टाइम, टोटल एनर्जी कितना रहेगा? एन टाइम्स ऑफ ई बाय टी, ई को लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा बाय टी, बल से आपको आता है क्या ये? यस, ये सर ने कराया क्या सम इसके ऊपर? तो यहां से आपको n by t मिल जाएगा, and n by t will be 10^16, क्लियर है क्या? ऐसे टाइप के सम्स किया आप लोगों ने? यस यस, प्लीज प्लीज गिव विटनेस, हाय प्लीज, ओके अर्पिता, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कोएक्सियल केबल, हैव यू ऑल डन? एक कोएक्सियल केबल है, अच्छा हैव यू ऑल डन एम्पियर्स लॉ? यस, एम्पियर लॉ का फॉर्मूला क्या है फॉर अ स्ट्रेट वायर? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आर, ये है क्या? टू पाई आर, दिस इज फॉर अ इनफाइनाइट वायर, बराबर क्या? हेलो, बट इफ देयर इज अ कोएक्सियल केबल वेयर करंट इज देयर इनसाइड ऑल्सो, करंट पूरा सब जगह पर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर विल बी म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, दिस इज टू देयर, गेटिंग इट? बट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर विल बी इनसाइड, सपोज आई नीड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बिकम म्यू जीरो आई अपॉन 2 pi r square into r, ये किया है क्या आप लोग ने? Yes, sir. Right, have you? किया है ये? Yes, sir. Perfect. Man, तो आंसर क्या रहेगा उसका? 4. तो आता ही था, तो you should have told me, man, फटाफट, come on. Clear है? ठीक है. So, if you can see, the DC Pandey is covering everything. ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ भी चीज, maybe एक दो question छोड़ दिया है. But majority 99% of the questions are covered from inside. 25 questions dekhte dekhte khatam ho chuka hai. This is fluids ka sum. Answer is mg by 2. So when you do fluids, obviously I am fully confident that you will be covering that kind of question. Ekdam easy question tha ye. So jisme tough nahi tha, but aapko aata nahi hai, to I will not be able to do. This is again optics. Optics ke aapne dekhe kitne questions aa gaye aapko tha. Answer is 60 degree. Char questions optics se puche gaye. Barabar hai kya? Optics ko chhodna nahi hai humko. Getting it? Oh, beautiful question. Beautiful question, man. Listen, capacitor. जब भी मेरा chapter आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, ठीक है? Because I know that you all know. ठीक है? Okay. See, current का formula वाला मैं आपको dq by dt. Q को लिख सकता हूँ बेटा cv. अरे बोलो यार. Yes, sir. V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी दिया, तो ये क्या हो जाएगा? C बाहर आ गया, D by dt of V नॉट साइन ओमेगा टी. डेरिवेटिव लेने आता है क्या इसका? इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी जानते हैं. हेलो बोलो, C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड आई होप दिस वॉज देयर इन द डीसी पांडे, आई रिमेम्बर. ब
बराबर है, ये सॉल्व किया है आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर। अरे मजा आ गया, दिस दिस सम 29th बाल से यार, बोलो ना कुछ ऐसे मत करो, ये सब लोग यू ऑल आर स्लीपिंग मैन, कम ऑन। इफ एफ एक्सेलरेशन एंड टाइम आर वेरी क्लोजली फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अभी एक तरीका तो है जो हमारा 11th का तरीका है, तो आप लोग ने क्या करेंगे, एनर्जी याद है, एफ रेस टू ए, ए रेस टू बी, टी रेस टू सी, ठीक है, ये एक तरीका है, मेथड वन, आई एम नॉट डूइंग दिस मेथड, बराबर क्या याद है ना, एबीसी ढूंढते हैं फिर आपको मिल जाएगा, गेटिंग इट ऑर नॉट, यस सर। एक तरीका ये है, सर विल टीच यू एवरी संडे जो हो रहा है ना लेक्चर, उसमें ये आ जाएगा, ये हम किए हैं, दिस वी हैव डन, बट एक तरीका ये है। मेथड नंबर टू क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अरे यार बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं हाफ ईटी स्क्वायर, अरे बोलो यार, तो कैन आई से इट इज Energy is F raised to 1, A raised to 1, T raised to 2. आ गया, आ गया कि नहीं? हेलो महक, समझा क्या? Yes, sir. थोड़ा सी टाइम लगेगा, बट सर विल टीच यू कैसे मैनिपुलेट करना है, बट यू विल नो, गेटिंग इट ऑन इट, सब चैप्टर्स आई कैन नॉट टेक बाबा, ओके, देयर आर सम लिमिटेशंस, इतना बड़ा पोर्शन है तो यू कैन नॉट. ये क्या है? हाँ हाँ, पोटेंशियोमीटर, कौन बताएगा? निष्का, फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज E1 अपॉन E2? E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2, हो गया आंसर, खत्म हो गया। अरे यार कम ऑन मैन, अर्पिता बोलो, अर्पिता 36, L2 मिल जाएगा, L2 मिल गया, ठीक है, गॉट इट, got it or not? Yes sir. Yes sir. You should know. Answer is 60 cm aayega. Ab log video on karo yaar. Please. I don't record without video. You know. Mujhe confidence hi nahi aata. Mujhe samajh bhi nahi aata ki kisko padhao. Koi dikhe bina kisko padha sakte hum log, hai? Acha, Mehak, time period of a spring pendulum. Kya formula hai? 2π√m/k. 2π√m/k. Yes sir. K को लिख सकते हैं F, F is equal to KX. Hello. K को लिख सकते हो F by X, बोलो, हो गया आंसर, हो गया आंसर, खत्म, गेटिंग इट और नॉट, 0.628 आएगा, मैं एक देखो बराबर सही है क्या? Yes. हाँ, ये सब चीजें कर चुके हैं, we have done it. हाँ 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 हाँ, very good. ऋषि बाल से एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल? परपेंडिकुलर मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना मांगता है? जीरो, जीरो होना मांगता है। अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डॉट निकालूंगा तो क्या आना चाहिए? जीरो। अरे जीरो आना चाहिए ना, जीरो आना चाहिए ना बेटा, हेलो, जीरो आना चाहिए, यस और नो? तो जीरो किस में आ रहा है, जीरो किस में आ रहा है, देखो एबीसीडी किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। अरे इसका डॉट करो इसके साथ यार, इसका डॉट इसके साथ करो, दो माइनस के वन होता है, प्लस के माइनस वन होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा महक? जीरो, जीरो हो जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए बोलिए। यस sir, this was not tough, huh? This should only be requiring presence of mind. Sir, ये एकदम famous question, Newton's law of motion, Newton's law of cooling का आता है क्या आप लोग को? याद है ये? d theta by dt 1 upon d theta by dt 2 was theta 1 average minus theta naught upon theta 2 average minus theta naught. ये सुना है formula? Yes sir. सब लोगों ने सुना है, मतलब ये इतना famous सम है यार, कह रहा है 90 से लेके 80 तक गया टी मिनट्स में, और फिर 80 से जा रहा है 60 में कितने टाइम में, तो ये टाइम ढूंढने का मेरे को, तो बताओ पहले में डी थीटा कितना है 10/T, दूसरे में कितना है 20/T2, बराबर क्या? थीटा वन इज द एवरेज ऑफ पहले वाला, कितना हो गया 80, 85 माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट कितना है 20 डिग्री है,
थीटा टू उसके बीच में वाला 70 माइनस 20 ये मिल गया, तो T2 यहां से आपको दिखाई देगा. गेटिंग इट और नॉट? हेलो बोलो बोलो बाल से बोलो जल्दी. सही है क्या? यस सर. ये 13T/5 आएगा. क्या ये कर चुके हैं तुम लोग सम? ये तो फेमस है, किधर भी रहता है ये सम. ये तो फेमस सम है एकदम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, और ये पूछा जाता है हमेशा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कम ऑन निष्का, आर यू देयर? अर्पिता, निष्का, आइंस्टाइन्स इक्वेशन बोलो. आइंस्टाइन्स इक्वेशन ये मालूम है क्या? हेलो, हाँ बोलो ना बोलो, यस और नो? निष्का बोलो. यस यस सर, आई नो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन मतलब क्या? जीरो है. अरे बोलो मैन, क्या जीरो है? ये जीरो है ना. तो E will become equal to K. E को लिख सकते हो बेटा HC by lambda. Because photosensitive material lambda wavelength incident हो रहा है. Yes or no? Hello? Yes. Kinetic energy. Kinetic energy को मैं क्या लिख सकता हूँ? P square by 2m. Kinetic energy momentum square by 2m. Yes or no? Hello? तो P क्या हो जाएगा? 2mhc by lambda root of that. बोलो ये सही है क्या? अच्छा पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ? सुना है क्या? एच बाई पी. पी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी. पी कितना है? रूट ऑफ टू एम एच सी बाय कितना हो गया ये? तो अगर आपको लैम्डा मांगता है तो लैम्डा डी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो आंसर यहां से अगर आपको मैच कर जाएगा तो आंसर 4 आ जाएगा. मतलब लैम्डा चाहिए ना आपको, ये चाहिए, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना दोनों साइड को. हेलो, यू नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डी. डिड यू गेट इट? तो यहाँ पर एक आइंस्टाइन इक्वेशन इस्तेमाल किया और डी ब्रोगली फॉर्मूला इस्तेमाल किया. दोनों चीज इस्तेमाल किया. वन फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वन एंड फॉर्मूला नंबर टू. And you will get the result. Bolo. Good question. These are harsh questions ko category. Listen to me now. Just pay attention. Saath mein rehna mere. Water falls from a height of 60 meter on a rate of 15 kg per second. Kya dm by dt hai? To operate the turbine. Can I say the input power is mgh by t? पानी गिर रहा है ना. एम बाई टी कितना है क्वेश्चन में? 15 है. जी 10 है. एच कितना है? 60 है. बराबर है क्या? हेलो, 15 6 होता है 90. ये हो गया 900. 9000 वाट. बराबर क्या? ये इनपुट पावर है. अच्छा, हाउ मच इज द लॉस? 10% लॉस है, तो एफिशिएंसी कितना है? 90 है. 10% मत लिखना. कुछ लोगों ने एफिशिएंसी को 10 ले लिया, फिर ओह माय गॉड आई मिस्ड इट एंड दैट एंड एवरीथिंग, वो सब नहीं है. गेटिंग इट? ये 90% है, मतलब ये 0.9 हो गया ना. आउटपुट पावर, इनपुट पावर कितना है? 9000. कितना होता है आंसर? 81. डन सर, डन. हेलो, अरे बाल से बोलो यार. यस सर. प्लीज प्लीज फास्ट, कम ऑन फास्ट. ये ऑप्टिक्स है. दिस इज नॉट ऑप्टिक्स, आई थिंक सो. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन. 27 ड्रॉपलेट्स. हाँ मजा आ गया. 27 ड्रॉपलेट्स चार्ज टू कितना वोल्टेज ईच? 200 वोल्ट. याद है छोटा भी है, दिस इज अ स्मॉल ड्रॉपलेट. दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप याद है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर. बट क्यू याद है? इज एन क्यू. And R is, remember, N raised to 1 by 3 times छोटो R. याद है आपको? Yes. Hello? तो ये दोनों का N अगर combination करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताया था मैंने. Hello? N कितना है? अरे बोलो यार, N कितना है? 27 है. 27 का
स्क्वायर, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 टाइम्स हो गया, मतलब 9 2 सा कितना हो गया, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 3 जा 9, 3 का 27, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 1800 आना चाहिए, 1800 आना चाहिए भाई, 220 है मेरे, सॉरी ये मिस्टेक है, ये 220 है, तो 1980 आया ना, हेलो गेटिंग इट और नॉट, आंसर सही है भाई, डोंट डाउट मी, हां प्लीज, हां कम ऑन, करेक्ट है ना, क्वेश्चन रॉन्ग था, ये ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिक्स इन दिस 2 मंथ शुड बी वेरी हाई, लास्ट चैप्टर प्रैक्टिस करना है ऑप्टिक्स का, वेव मोशन से एक सवाल नहीं था, वेव मोशन जो हम लोग करने वाले हैं इसके बाद में उसका एक भी सवाल नहीं है, क्या ये सम हमने किया है के वाला, हेलो, अच्छा ये फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ एमवी स्क्वायर, एक शॉर्टकट इज एमजी एच1 प्लस एच बाय आर, बाल से आपको याद है क्या, जब एक एक यार एक ये पार्टिकल को वी लीव इट, इट गोज अप टू अ हाइट एच व्हिच इज लेस देन एस के वेलोसिटी, बोलो यार बोलो महक बोलो, यस सर, ये अच्छा वेलोसिटी कितना दिया मैंने, कितना दिया केवी, द के इज लेस देन 1, मतलब आप कितना दे रहे हो, हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर, वी का फार्मूला क्या है, महक रूट ऑफ 2 जी एम क्या आपने दिया इज एम जी एच 1 प्लस एच बाय आर, अच्छा ये कितना हो गया, 2 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया एम के स्क्वायर, रूट ऑफ जी एम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, एम जी, एम जी कैंसिल, ये क्या हो गया के स्क्वायर आर एच 1 प्लस एच बाय आर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, You will get the value of H. Getting it or not? Hello? Haan na bolo? Yes, sir. You will get the result as 1. Standard result ke taur pe bhi maine shayad wo time diya hai. Mujhe actually na direct formulas yaad nahi rehte. Okay, good question. Mathematical question. For the product F is equal to Q V bar cross B bar. Q V bar cross B bar. Okay, dekho. F is equal to Q V bar cross V bar. Q का value कितना बेटा? F कितना दिया है question में? 2i 4j 6k. Mathematical था. Q का value कितना है? 1 है. V bar कितना है? 2i plus 4j plus 6k into V bar. V bar कितना दिया है? Bx i cap By j cap BZ K cap. Now, इधर ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल मेथड से. Listen to me, yeah? Now just pay attention. इस साइड पे डिटरमिनेंट निकाल दूंगा. You know how to calculate determinant? Hello, do you know? Yes. ये क्या है? अर्पिता सही है क्या? अर्पिता बोलो यार. कितना हो जाएगा डिटरमिन इज इक्वल टू बोलो आई इन टू फोर बी जेड माइनस सिक्स बी वाई माइनस जे कैप क्या टू बी जेड माइनस सिक्स बी एक्स के एक्स है और लास्ट में k cap क्या रहेगा k cap 2by minus 4by okay now अभी इसको equate करो can I say 4bz minus 6by is 2 अरे compare कर रहा हूँ भाई यार तो दूसरा वाला equation क्या है minus 2bz minus 6bx is 4 एंड तीसरा वाला 2by माइनस 4bx इज 6 बोलो हेलो यस
वेरी गुड. अब इसको आपको एक दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, bz और bx या दोनों को ऐड करके यू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ x y n. सो दैट इज एक्चुअली अ लेंथी क्वेश्चन, आंसर 3 आएगा यहां पर. इसको बैठ के सॉल्व करना है आपको, ठीक है? मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इट इज अ लेंथी क्वेश्चन दिस थिंग. 40th question. Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in the same plane with the centers coinciding. ये सब मैंने सिखाया है. ये r2 है और ये r1 है. Mutual inductance. अच्छा, mutual inductance जब भी निकालने गए तो what are the formula? Ib phi m. याद है महक? Yes. ये formula. Current pass करो बड़े वाले में. Hello. याद है? अच्छा ये. I current pass करो. What is magnetic field into him at the center? Mu zero. Yes. Ni upon 2R. This is due to पहले वालों. This one. बराबर. This flux is linked with the अंदर वालों. Hello. ये flux जो है ना इसका बाहर वाले का. It is linked with the अंदर वालों. What is the flux का formula? AB. A will be area small. याद है? Yes. pi r2 square b ki jagah mu 0 i upon 2 r1. Can I say it is proportional to r2 square upar and r1 square r1 niche? Ho gaya? Ya to agar ye sab yaad nahi rakhna hai to bal se aapko yaad hai ye formula diya tha mu 0 n1 n2 area choto by length. Hello. Yes sir. Area choto kya rahega and by length r2. Of choto length of bado kya rahega? फॉर्मूला अगर याद है ना तो आपको ये याद रखना. अच्छा, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन. महक आपको आता है क्या? कौन सा गेट है क्या? ये कौन सा गेट है? एंड गेट. ये भी एंड गेट है. ये कौन सा गेट है? और अच्छा, यहाँ पर देखो ये लो है मतलब ये जीरो है, ये भी जीरो है और ये क्या वन है ना. यस, मतलब इधर जीरो दिया, इधर भी जीरो जीरो दिया और इधर क्या दिया? वन दिया. सही है. जीरो जीरो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है. जीरो वन क्या आने वाला है? नैंड गेट है. जीरो वन क्या आने वाला है? वन आएगा. वन का वन आएगा मतलब वन आने वाला है. मतलब कैन आई से इट इज हाई इन द पहले वालों केस? इट इज हाई. यस सर. ये तो उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया बिकॉज़ ये लो है ना, ये भी लो है. या तो ये 5 वोल्ट रहेगा पूरा या तो ये भी हाई है. बराबर है क्या? हेलो. yes. सही है. वैसे दूसरा वाला ट्राई करो, 1 0 1. ये भी ट्राई करेंगे तो ये 1 आएगा. 1 आएगा मतलब ये नहीं आ सकता है लास्ट वाला, तो यही आएगा ना. यस. हेलो. दो ही ट्राई करना है, सब ट्राई नहीं करना. Are you understanding my point? Yes. Okay. Done till 41. It is done, sir. Beautiful. 90% of the paper हम लोग crack कर सकते थे. अगर optics हमको आता था तो और ज़्यादा confidence होता. The optics easy है generally. It is not so difficult. Beautiful. Moment of inertia का समय. Arpita, are you there, बेटा? Yes. Can you tell me what is moment of inertia for ring about the center? We carry 3/4, 90% of the sector is removed. मतलब कितना निकाल दिया? ये. Can I say mass has become 3/4 m? अरे ये mass m था ना बेटा. Yes. 90% इतना निकाल देगा, इतना हिस्सा अगर निकाल देगा तो बचेगा कितना? तो moment of inertia इधर कितना हो जाएगा? 3/4 m. We're done, sir. What is the problem, sir? Itna easy. Rotational motion se itna easy sum. Hello? Arre yaar, bolo. Yes. Abhi koi bhi bolega na, aapko difficult paper hai, to aap log bol dena usko. Theek hai? It is not difficult. You have not practiced. Very good question. Current divided formula aata hai, Mehak, aapko? Aapko bata sakte hai, I3 kitna rahega? ये आई वन है. आई थ्री का वैल्यू कितना रहेगा? आई वन इंटू दूसरा वालो आई वन इंटू आर टू अपॉन
2 plus R3. So what is I3 in terms of I1? R2 upon R2 plus R3. Done, sir. Done, sir. Done. देखने से पहले आंसर खत्म. Getting it or not? Yes. Hello. Balse is feeling very happy. Balse, what happened? Nothing, sir. Balse बोला मैं होता था तो मैं तो पूरा क्रैक कर देता था. Yes or no? अभी टाइम है बेटा आप लोगों को. ठीक है. Question number 44 पर आता है. Clear. A car starts from rest and accelerates with 5 meter per second square. At 4 seconds. Matlab, can you tell me how much is the velocity after 4 seconds? 20 meter per second? Arre bolo yaar. Time 0 par wo ruka hua hai. 4 second par. It is going at the speed of what? 20 meter per second. A ball is dropped out of the window. Can I say when ball is dropped out of the window, what will it acquire? Hey, what will it acquire, Mahek? Speed of the vehicle. Speed of the vehicle. मतलब 20 तो रहेगा उसके पास. और can I say ऐसे जब वो बाहर गिरेगा, तो gravity के कारण गिरेगा. Hello? Hello? बाहर जब गिरेगा तो gravity आ जाएगा. मतलब यहाँ पर आ जाएगा half gt square. Yes or no? G कितना है? 10 है. T कितना है? अब कितने पे मांग रहा है वो? ये तो 4 सेकंड है. T is equal to 6 seconds पे कितना टाइम हो गया और? 2 सेकंड और हुआ ना? हेलो. तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 20. Can I say इधर भी 20 और इधर भी 20. What is the result? अरे tell me man. 20 root 2. And what is the value of gravity? 10 meter per second. Yes or no? Acceleration movement पर उसे gravity है ना, दूसरा वाला कुछ car के तो बाहर आ गया तो उसका acceleration नहीं act करेगा ना. अभी it is freely falling body, so gravity will be 10. Yes or no? Yes. Hello. ये हमने rocket के sums में किया है. Sir, today only you did, sir. बालसे, चलो बोलो क्या है? अरे यार तुम यार ऐसे मत करो. क्या दिया है? ये देखो, ये पावर पावर दिया है क्या? पावर दिया ना? पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई 44 वोल्टेज इन द प्राइमरी कितना है? 220 आई प्राइमरी मिल जाएगा सर. 45 सर डन. कितना आंसर है? 2 है इसका. क्लियर है? अभी आज किया, आज मैंने महक से पूछा ये सब. पूछा था कि नहीं महक? यस. सेम पावर वाला. हाँ फिर करते हैं तुम लोग. हाय कम ऑन नाउ लिसन टू मी. ओके ब्यूटीफुल सम. एक हाइट है, बॉल यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, फिर याद है बाउंस करेगा विद द सेम वेलोसिटी. हाउ मच इज द चेंज इन इंपल्स? इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. ये सुना है क्या? यस. हेलो. 2mv, बट v को लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh बिकॉज़ इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h. देखो. हेलो. ए मैन हेलो. ये कर चुके हैं सम. बल से कर चुके हैं क्या? यस सर. आंसर 3 आएगा इसका. ठीक है, यू डोंट हैव, आपको देख के आना चाहिए. अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम एसी. एसी सर्किट्स का सम है. मैं अभी बता देता हूँ आपको, थोड़ी मेरी बात सुनना. अभी प्लीज मेरी बात सुनना. ये नए टाइप का सम है. And it was out of the box question in yesterday's paper. हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है क्या? याद है करंट बिकम्स? अरे बोलो, याद है ये फ्रीक्वेंसी? हेलो. अरे बोलो यार. नहीं करेक्ट है. यस. क्या इसे आई बाय रूट टू पे एक लाइन बना. इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. ये पढ़ाया था क्या मैंने सिनॉप्सिस में? हेलो. बैंडविड्थ सीखा है? बैंडविड्थ? नो सर. नो.
ये ध्यान रखो थोड़ा, सो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन. बैंडविड्थ कहते हैं इसको. बैंडविड्थ का फॉर्मूला इज आर बाई एल. क्वालिटी फैक्टर दिया मैंने, क्वालिटी फैक्टर दिया रहेगा 100%. अच्छा नाउ बैंडविड्थ इज आर बाई एल. बैंडविड्थ मतलब हाफ हायर पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर पावर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, आर बाई एल है. वट इज आर गिवन इन द क्वेश्चन एस 40 and what is L given in the question as 5. So can I say bandwidth will become 40 by 5, that is 8. मतलब bandwidth का difference कितना 8 का, मतलब इन दोनों के बीच में difference कितना 8 hertz का. अब चार answer दिए हैं, चार answer दिए हैं क्या नहीं? चार answer में से difference 8 का किस में आ रहा है? D में आ रहा है. आ रहा है क्या नहीं? Hello? Yes sir. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स ऑल इंडिया लेवल करने के लिए. ठीक है, दिस विल कम इन डीसी पांडे आई थिंक. सो लास्ट क्वेश्चंस में रहेगा, अभी फिलहाल आया नहीं है. तो आई हैव नॉट टॉट यू व्हेन इट विल कम इन द लास्ट. वी हैव बीन लेफ्ट विद सम क्वेश्चंस. वी विल डू. हां गुड क्वेश्चन. याद है वो लैडर वाला सम? याद है मैं क्या याद है आपको? नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर को कितना करना है? जीरो करना है. बराबर है क्या? कैन आई से दिस इज द 2 केजी मास, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे पिवट है, मतलब ये आर है. इसका वेट कहां पर एक्ट करेगा? 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी सेंटर पे. कितना सेंटर है? 160, मतलब ये 80 हुआ. और यहां पर है ना वेट एम एम जी एक्ट कर रहा है 160 पर. Can I take torque about the pivot is zero? Pivot पकड़ते हैं, torque about the pivot is zero. अच्छा, 2 kg का torque क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो बेटा. अच्छा, pivot का centimeter कितना है? 40 है. मैं बोलो, 2 kg का pivot क्या रहेगा? 2 kg का वो क्या होता है? 2 into 20 ना? 20, yeah. कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा. Yes or no? हाफ इंटू बाल से हाफ इंटू 40 ऐसे घुमाएगा. एम इंटू 120 कर सकते हो अभी. एम मिल जाएगा. यस और नो? हेलो. यस सर. अरे टेल मी मैन, टेल मी, इतना मत करो ऐसे. 1/12 आंसर है. ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर. डिफिकल्ट नहीं है. गुड क्वेश्चन. लिसन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी, इट टेक्स टाइम टी. सो कैन आई से टाइम टेकन इज डिस्टेंस बाय स्पीड? बोलो, तो स्पीड कितना रहेगा उसका? इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया क्या? यस सर. ओके, तो पहले वो सर्कल में जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड इतना मिल गया मेरे को. इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बाय एन एंगल थीटा एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 4 आर. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला बोलो. महक बोलो जल्दी फॉर्मूला बोलो. बराबर क्या? यस. What is maximum height attained? 4 R. Say it. U square. Can I square this? Bolo. Can I say answer will come in terms of sine inverse? Itna to kar sakte ho na, bhai. Hello. Yes. Answer 1 aayega. Theek hai? Answer 1 aayega. क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन याद है ना, 50 क्वेश्चंस वाला पेपर था. ये मैं 5 ऑप्शन थे. ओके, कल से आपको बताया क्या? नहीं पता था. ठीक है, जो भी है, नहीं पता है तो नहीं. 5 ऑप्शन थे. अच्छा है, तो 5 हार्ड वाले हम लोग छोड़ सकते हैं. यस और नो? यस. हाँ हाँ हाँ
तो और खुश हो गए हम लोग, ठीक है. अ कंडक्टिंग अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 2a 12a. एक वायर है जिसका लेंथ कितना है 12a, इज वाउंड अप करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ए महक ए ए एंड ए. कितना हो गया ये 3a हो गया पूरा. यस मतलब वायर 12a है तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे 4. हाँ 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 ध्यान रखना ये चीज वरना गड़बड़ हो जाएगा. ओके और फिर बाद में स्क्वायर भी बनाया उसको, स्क्वायर ऑफ साइड है. कितने नंबर ऑफ टर्न्स बने इसके 3. बहुत अच्छे. कैन आई से मोमेंट का फॉर्मूला सर ने कराया रहेगा आपको एनआईए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल ऋषि बाल से डू यू नो इट इज एनआईए. यस सर. अच्छा कितना है एन, कितना है 4 है. आए तो आए. एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर. सही है क्या, √3/4. अरे हाफ बेस हाइट ना यार, हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ साइड. यस और नो. यस. अच्छा इसका मोमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कितना है 3, आई कितना है, एरिया कितना रहेगा a स्क्वायर. इसको डिवाइड मार देना, आंसर आपको दिखाई देगा. आई होप सो. आंसर m2 विल बिकम 3ia स्क्वायर, दैट आंसर विल बिकम 2. ये आ जाएगा ऑब्वियसली √3 के टर्म्स में आंसर आना चाहिए ना. हेलो डन. नाउ यू ऑल टेल मी हाउ डिड यू फाइंड द पेपर. अर्पिता हाउ डिड यू फाइंड द पेपर. एवरेज था, इजी तो नहीं बोल सकते हम लोग. हेलो बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन इट, मतलब एटलीस्ट 50 में से 35 किए हुए थे ऋषि. यस सर. ओके आप है ना, ये चीज मैंने क्यों सिखाया आपके बैच में, ताकि आप रियलाइज करो कि पेपर पूरा डीसी पांडे से आता है. आपको कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है, एचसी वर्मा और डीसी पांडे और मतलब जेई वाला वो सब नहीं करना. आपको एक जो बुक दिया है उसको बराबर से स्टिक करो. ज्यादातर आपको नोट्स करना है, आप नोट्स करो, मेरा प्रैक्टिस पेपर है वो करो. गेटिंग इट ऑर नॉट महक. यस. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो बुक को उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. ओके ठीक है चलो. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग. थैंक यू, बाय. थैंक यू सर. सो यस टेल मी सो, नाउ ऑल द टेस्ट विल बी ऑफलाइन. ऑल द टेस्ट आर ऑफलाइन, ऑल द टेस्ट एवरी सैटरडे. ठीक है. ओके तो जो भी क्लास में है क्लास में आप लोग. थैंक यू, टेक केयर, बाय.